सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ दक्षिण पूर्व दिल्ली के सुखदेव विहार इलाके में स्थित अपने कार्यालय जा रहे थे, तभी खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के लिए उनके वाहन का चालान कर दिया गया। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत बुधवार की सुबह जुर्माना लगाया गया। वाड्रा के सुरक्षा कर्मी उनके पीछे एक अन्य वाहन में थे। पुलिस के अनुसार चालान किए गए वाहन को रॉबर्ट वाड्रा का ड्राइवर चला रहा था, जब वह सुखदेव विहार स्थित अपने कार्यालय जा रहे थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घटना बारापुला फ्लाईओवर के पास हुई, जब वाहन के चालक ने ब्रेक लगाया और इस दौरान पीछे से आ रहे एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें वाड्रा के सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।